छोटी उम्र में बच्चे बहुत कल्पनाशील होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं और बहुत तर्क शक्ति होती है उनके पास। और मैं समझती हूँ कि अगर उसी उम्र में उनको सही समय पर सही आज़ादी दी जाए तो जो किताबी ज्ञान है या जो बड़ों से प्राप्त सूचना है उससे वो जूझ कर और जल कर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। बिल्कुल उसको मैं इस तरह से देखती हूँ कि मैं फिजिक्स टीचर हूँ, मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मेरे साथ किचन में होती थी कई बार और बहुत छोटे छोटे उसके करियर्स आते थे, बहुत छोटे से जिज्ञासाएँ आती थी कि दूध उफन रहा है तो उसमें चम्मच डाला तो नीचे क्यों चला गया, या तवे पर पानी की छींटे डाले तो आवाज़ क्यों आ रही है। अब आप इसको इससे रिलेट कीजिए कि तवे पर पानी की छींटे की आवाज़ और बादल के गरजने की आवाज़ एक ही फिनोमिना है, उसको हमें साइंस से जोड़ना है। तो इस तरह से उसमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बनता चला गया। उस चीज़ों को अगर हम वहीं पर उनको रोक देते हैं या डांट देते हैं तो वो कई बार चीज़ें वहीं डंप हो जाती हैं, लेकिन उसको और मैं समझती हूँ कि ATL इस चीज़ पर बहुत अच्छा काम कर रहा है क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे में अपार संभावना है और जब उसमें इतनी ऊर्जा होती है और जिन चीज़ों को वो केवल TV पे देखता है या एनिमेशन में देखता है या रोबोट को केवल वो बाहर से देखता है, उसके बाद जब वो खुद उसको बना रहा है, उसकी वर्किंग देख रहा है, सेंसर्स को महसूस कर रहा है, तो वो जो खुशी, वो जो उत्साह, वो मोटिवेशन जो है, उसको सेल्फ मोटिवेशन जो है वो उसको और इनोवेटिव बनाता है। ये मैंने महसूस भी किया अपने बच्चे में क्योंकि जब वो 6th में थी उसके बाद जैसे ही उसने ATL ज्वाइन किया मैंने देखा उसमें बिल्कुल एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो डेवलप हुआ। मतलब मान के चलिए कि एक छोटा बच्चा जो है वो वैज्ञानिक बनने की दिशा में जा रहा है। उस तरह से अचानक से ऐसा लगने लगा कि क्यों, क्या, कैसे, कब वाले जो जिज्ञासा वाले प्रश्न हैं वो अचानक से शुरू हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ATL इस तरह से बहुत अच्छा